ये हसीना वाजद जो है, उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीबियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज़ का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इট ইজ এভরিওয়্যার ইন দ্য রিজন। এ নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে, তাহলে বউদের কাছ থেকে সেই শাড়িগুলি এনে কেন পুড়িয়ে দিচ্ছে না? इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। शेख हसीना वाजद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है, और बहुत ज्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बायकॉट तुम कैसे कर सकते हो, उसकी प्रोडक्ट्स को तुम कैसे बंद कर सकते हो। ये जो हमारे संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, ये ओवरली सिक्योरिटाइज हो गए हैं। अपनी बीबियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज टू बी डिस्कस इन पोलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका। बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कंपेन चलाई बीएनपी ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो, ठीक है। शेख हसीना वाजद जो हैं, उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज़ हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत दिला दें सारा कुछ। दिस इज़ वॉट बींग रिपोर्टेड, जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ये बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ है और बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 जनवरी के इलेक्शन हुए थे उसके बाद ये एक इंडिया आउट कंपेन चली हुई है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मेडलिंग नहीं की। और आपको पता है, मैं G20 में जब हुआ मैंने तब भी आपको कहा था कि जो शेख हसीना वाजिद और जो बाइडेन के दरमियान नरेंद्र मोदी ने बर्फ को पिघलाया था, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले। दैट वॉज सो सिंपल, इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना अपोजिशन, बीएनपी ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज़ प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया, प्रो बांग्लादेश, और सिर्फ इंडिया ने जो है वो बचाया है और हम इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। दिस इज़ व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एंड से ऑल द टाइम। वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का जरूर बायकॉट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ी या जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हो, उनको आग लगाएं। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि अब जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो, तुम क्यों बंगला इंडियन स्पाइसेस जो खा रहे हो। मैं इस हवाले से एक रिपोर्ट देख रहा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो स्पाइस ट्रेड है, ठीक है जी, आप ये समझ लें कि कोई इंडिया जो है वो लाखों हजारों टन
जो स्पाइसेस हैं वो बेचता है बांग्लादेश को, और पर्टिकुलरली कब बेचता है, ड्यूरिंग ईद, ईद के दरमियान। बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। अब इंडिया आउट कैंपेन यानी ये कि बायकॉट किया जाए भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उस कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है, और आपको पता है मालदीव्स और इंडिया के जो ताल्लुकात में रखना आया था या जो भी उनके रिलेशंस के हवाले से खबरें थी हम आप तक पहुंचाते रहे, तो मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई। लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शन में जो अपोजिशन है बांग्लादेश की, उसने ये हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो हसीना, शेख हसीना ने उनको उड़ा के इस तरह रख दिया। शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बायकॉट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ, अगर तुम इंडिया की प्रोडक्ट्स का बायकॉट करोगे तो तुम्हें अपनी बीवियों को जलाना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा बर्न योर वाइफ्स, यानी बर्न योर वाइफ्स साड़ीज, यानी जो साड़ियां वो पहनती हैं पहले वो कहां से आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बायकॉट तुम कैसे कर सकते हो, उसकी प्रोडक्ट्स को तुम कैसे बंद कर सकते हो। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी जो बीवियां हैं, तुम्हारी हमारी जो खवातीन हैं बांग्लादेश की, वो साड़ी पहनती हैं और इंडियन प्रोडक्ट वो पहनती हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है इंडिया की जो है वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें गारमेंट्स से लेकर और स्पाइस तक शामिल है। तो ये जो है ये एक देख रहे हैं हमें वहां पर खींचातानी जो कि इलेक्शन के दौरान, यानी इलेक्शन कैंपेन है बांग्लादेश की। हेलो आलिया, लव यू डियर, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। तो जनाब इलेक्शन कैंपेन है बांग्लादेश की और बात किसकी की जा रही है, इंडिया की। तो हमें ये एक फेनोमेना ऐसा नजर आता है कि जिसमें कभी जो है वो सुपर पावर्स जिनकी बात की जाती थी कहीं पर, देखे ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।